रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम 3/4 कप देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और हम स्टार्टिंग से ही फ्लेम को लो रखेंगे। जैसी घी मेल्ट हो जाएगा हम इसके अंदर 2 कप बेसन डाल देंगे और अब हम बेसन को घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी में बेसन डालने के बाद हमें बेसन को कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना है ताकि बेसन कढ़ाई की तली से लगे नहीं। और अब हम बेसन को लो फ्लेम पे भुनेंगे जब तक बेसन का कलर हल्का लाइट ब्राउन ना हो जाए और उसमें से एक बहुत ही अच्छी खुशबू ना आने लगे। बेसन को हमें कच्चा भी नहीं रखना है, ज़्यादा भी नहीं भुनना है, मीडियम भुनना है। हल्का हल्का लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा तब तक ही हमें बेसन को भुनना है और इतना बेसन भुनने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट का समय लगेगा। 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बेसन अच्छे से भुन गया है, लाइट ब्राउन कलर का भी हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और बेसन को हम एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बेसन जल्दी ठंडा हो जाता है। और अब हम इसके अंदर थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए काजू डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता भी डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर काजू बादाम और पिस्ता का यूज़ करा है, आप अपने मनपसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। और अब हम बेसन के मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जैसे ही मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो जाए इसके अंदर हम 1.5 कप बूरा मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन के लड्डू बनाते समय हम हमेशा बूरा का यूज़ करते हैं, हम कभी भी पिसी हुई चीनी का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इससे बेसन के लड्डू में हल्का दरदरापन आता है जो इसे और भी टेस्टी बनाता है। चीनी और बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके हम लड्डू बनाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथों में लेंगे बिल्कुल इस तरह और इसको हम गोल गोल घुमाकर इसके हम लड्डू बनाएंगे। जब लड्डू थोड़ा सा कंबाइन हो जाए तब हम इसको इस तरह हाथों के बीच में घुमाएंगे और इसको अच्छी सर्कुलर शेप देंगे। बेसन का लड्डू बनके तैयार है और इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। बेसन के लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।